हेलो फ्रेंड्स, हम टॉपिक कर रहे थे पार्टनरशिप, जो कि प्लेसमेंट मस्ट बिजनेस स्टडी बुक का है। हमने इसके काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं, आप सारे टॉपिक्स पिछली वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। अगर देख लिए तो हम यहाँ से शुरू करते हैं काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप से। इसकी तीन टाइप्स बताई हैं इन्होंने कि जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। फर्स्ट क्या है कि जनरल पार्टनरशिप, इन दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज अनलिमिटेड। जो जनरल पार्टनरशिप होती है इसमें क्या होता है कि जो लाइबिलिटी है मेंबर्स की वो अनलिमिटेड होती है। ऑल द पार्टनर्स पर्सनली एंड कलेक्टिवली आर लाइबल फॉर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द फर्म। कि मतलब जो पार्टनर्स होते हैं सारे, ऑल पार्टनर्स होते हैं, वो पर्सनली और कलेक्टिवली लाइबल होते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म के। All partners can take part in the working of the business। जो सारे partners हैं वो क्या करते हैं, part लेते हैं business में। In India this kind of partnership exists। The registration of the firm is not compulsory। जो registration है firm की वो compulsory नहीं है। पर जो द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज़ नॉट कंपल्सरी, मतलब कंपल्सरी नहीं है, बट सर्टेन प्रिविलेजेस आर अवेलेबल टू द फर्म विच इज़ रजिस्टर्ड। कि मतलब प्रिविलेजेस अवेलेबल होते हैं कि जिससे फर्म को वो रजिस्टर्ड करा सकते हैं। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, व्हेन अ पार्टनरशिप इज स्टार्टेड फॉर सर्टेन वर्क। When partnership is started for certain work is called particular। कि मतलब जो partnership है अगर वो start की जाए किसी particular work के लिए तो उसे particular partnership कह देते हैं। When the work is completed the partnership comes to an end। अगर जब काम हो जाता है तो क्या होता है, वो partnership है वो end पर आ जाती है, comes to end। द पार्टनरशिप में ऑल्सो भी फॉर लिमिटेड पीरियड, जो ये पार्टनरशिप होती है वो लिमिटेड पीरियड के लिए होती है। इट विल बी डिसॉल्व एट एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड, मतलब ये डिसॉल्व हो जाती है उस पीरियड के बाद। आगे पार्टनरशिप एट विल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप वो हम करेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।